नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर मऊ से है, जहां जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में तैनात मेडिकल ऑफिसर अभिषेक तिवारी ने अपने विभाग से तंग आकर इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित मेडिकल ऑफिसर के समर्थन में अस्पताल के डॉक्टरों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पत्र देकर न्याय की मांग किया है। आपको बता दें कि मेडिकल ऑफिसर अभिषेक तिवारी की ब्लड बैंक में अगस्त माह 2018 में तैनाती हुई थी और 45,000 वेतन पर रखा गया था, लेकिन एक सप्ताह के बाद शासन ने मेडिकल ऑफिसरों का वेतन 45 की जगह 60,000 रुपये कर दिए, लेकिन विभाग द्वारा सिर्फ अभिषेक तिवारी को 45,000 रुपये दिए जा रहे थे, जिसके बाद अभिषेक तिवारी ने कई बार सीएमए सहित सीएमओ को पत्र देकर न्याय की मांग किया था, लेकिन ना तो सीएमओ ने न्याय दिलाया और ना ही सीएमए से। ऐसे में अपने ही विभाग से तंग आकर अभिषेक तिवारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले में सीएमएस ने कहा कि जांच कर अभिषेक तिवारी को न्याय दिलाया जाएगा और जो भी उनका वेतन बाकी है वो सारा वेतन उनको दिलाया जाएगा। एएस न्यूज मऊ। मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी, जिला अस्पताल मऊ में ब्लड बैंक में मेडिकल ऑफिसर के रूम में कार्य कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग अगस्त 2018 में हुई थी, उसके बाद उस समय सैलरी मेरी 45,000 पर मंथ थी, जो बाद में एक नया जीओ आया उसके अकॉर्डिंग 60,000 पर मंथ हो गई, लगभग जस्ट 15-20 दिन बाद ही। ठीक है, कई बार मौखिक रूप से लिखित रूप से मैंने इन लोगों को बताया, नेशनल बेसिस में जो DPM है, डैम है, जो हम लोग का सैलरी निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उनका मौके लगभग 10-12 बार उनको मौके की बताया, 3-4 बार लेटर से बताया। मैंने लखनऊ में लेटर लिखा, यहाँ पे सीएमओ सीएमएस सबको लेटर लिखा कि मेरी सैलरी 60,000 हो गई है, आप 45 के हिसाब से मत दीजिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त की ज्वाइनिंग मेरी पहली सैलरी मेरी नवंबर में आई। सारे जब त्यौहार बीत गए थे, दिवाली बीत गया, भैया दूज बीत गया, गवर्नमेंट का साफ ऑर्डर है कि कोई त्यौहार से पहले सैलरी रिलीज कर दिया, लेकिन कोई उनका असर नहीं पड़ा, बार बार बताने पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, आर्थिक रूप से मैं एकदम दिक्कत में आ गया। नवंबर की सैलरी मेरी अब तक नहीं आई, आज 18 दिसंबर है, अब तक सैलरी आया आए थे कि अगर हम लोग की वो ना हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई, मेरी सैलरी पूरी नहीं आई, तो मैं तो रिजाइन दे चुका हूँ। इन लोगों के खिलाफ मैं रिजाइन दे चुका हूँ, क्योंकि ना सीएमओ ने कोई कदम उठाया, ना नेशनल हेल्थ मिशन लखनऊ में लेटे थे, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लगातार इन लोगों की DPM और DM की मनमानी चल रही है, आज मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं यहीं पर धरने बैठूंगा। हाँ, जो मेरे संज्ञान में तो आज ही आया, इनका एक्चुअली कुछ सैलरी का मसला है। जो आज ये लोग आए थे, इनके गिरवास मुझे आज पता लगा है कि एक तो हमारा डैम जो NHM के हमारा DPM और डैम, ये लोग सैलरी बनाते हैं और साइन अप करके दे देते हैं, तो ये पता लगा कि वो 45,000 ही इसको दे रहा है, जबकि उसमें जियो है कि इनको 45,000 60,000 दिया जाए। तो मैंने आज उनको कहा कि एक हफ्ते मुझे मौका दीजिए, इसको हम ठीक करवा देते हैं पहली बार, और दूसरी बात हमको पहले सूचित करके तब आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। अभी तो थोड़ा जांच का बिंदु है, ये जांच होने के बाद ही मैं बताऊंगा। वैसे नियम से तो मतलब इसमें कोई इसको ले नहीं सकता है जी। अगर उसको नहीं दे रहे हैं तो जरूर पड़ा होगा, मैंने वो कोई ले नहीं पाएगा उसको, क्योंकि इस तरह के वो जो हमारा जो कोड है वो कोई दूसरा इधर उधर नहीं कर सकता।